अल्लाम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप आप सब लोग ठीक हैं मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने दिन की रूटीन शेयर नहीं करूँगी बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दराज ग्यारह ग्यारह से मैंने आइटम्स कुछ ऑर्डर की थी वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी तो सबसे पहले जो है ये मुझे जो मैंने ऑर्डर किया था ब्लश ऑन किट का किया था आप कंपनी का नाम देख लें ये बहुत ही अच्छी ब्लश ऑन किट थी और इसमें चार शेड्स हैं कंपनी का नाम जो है वो स्क्रीन में आगे मैंने मैंशन किया हुआ है चारों शेड्स जो हैं बहुत ही प्यारे हैं और आप यूज कर सकते हैं इसमें पीच कलर भी है उसके अलावा बार भी पिंक जो होता है उस कलर का ब्लश ऑन भी है रेडिश टोन वाला ब्लश ऑन भी है और एक इन दोनों कलर्स के यानी जो रेडिश टोन है और जो पिंकि टोन है उसके बीच का शेड है तो ये बहुत ही अच्छा था एप्लीकेशन भी आप लोग देखने में अप्लाई करके दिखा रही हूँ चारों के चारों शेड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं तो अगर आप लोग कोई इकनॉमिकल ब्लश ऑन कट की तलाश में है तो आप यहाँ से जो है दराज से नाम लेकर सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं जो शेड है इसका कंपनी का नाम भी आप लोग देख लें मोना कंपनी uh, का नाम है और शेड जीरो टू है प्राइस मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है इसकी प्राइस थर्टी फाइव परसेंट ऑफ पर ये मुझे मिली है और इसकी प्राइस आई गेस टू थर्टी थी विदाउट डिलीवरी डिलीवरी चार्जेस ऐड करके ज़्यादा हो जाएगी अच्छा ये बहुत अच्छे ब्लश ऑन है आप इसकी तीन से चार घंटे का इसका स्टे है लेकिन आप अगर इसको रब करेंगे तो डेफ़िनेटली ये रिमूव हो जाएगा तो फिर आपको री करना पड़ेगा लेकिन एवरी डे मेकअप के लिए ये बहुत अच्छा है सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर की थी वो है ये मस्कारा uh, ये अप टाउन एले से मैंने कंपनी uh, का नाम है जिससे मैंने ऑर्डर किया है और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये बेसिकली आपकी लैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है इसको मैंने दो या तीन दफ़ा अप्लाई करके देखा है और ऐसा भी नहीं है कि ये लैशेस को बहुत ज़्यादा सख्त सा कर दे बल्कि इसकी इसकी एप्लीकेशन भी बहुत आसान है लैशेस को अच्छा खासा वॉल्यूम देता है साथ ही साथ जब आप इसको रिमूव करते हैं तो ये बहुत आसानी से जो है रिमूव हो जाता है यानी वाटर नहीं है अच्छा इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो मैंने स्क्रीन पर जो है टाइप कर दी आप लोग उसको देख लीजिएगा मस्कारा ये बहुत अच्छा था मैंने दो से तीन दफ़ा इस्तेमाल किया है बहुत ही आ, ये आराम से रिमूव हो जाता है ये भी नहीं है कि ये फैलता है वाटरप्रूफ नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ये पानी लगने की वजह से पहले बिल्कुल आराम से जो है वॉल्यूम देता है आपके लैशज़ को अच्छा जी साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी मेरा आई लैश कर्लर जो है वो टूट गया था तो फिर मैंने ये दराज से ऑर्डर कर लिया था काफ़ी रीज़नेबल मिल रहा था ये हंड्रेड रुपीज़ से कम का था आई गेस नाइन्टी सिक्स रुपीज़ का था विदाउट डिलीवरी और यूजुअली जो है ये थ्री हंड्रेड का मिलता है तो फिर मुझे तो ये हाफ़ प्राइस में मिल रहा था बल्कि हाफ से भी कम में तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था और ये जैसे नॉर्मल आपको शॉप से मिलता है बिल्कुल इस तरह का था क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था फिर उसके अलावा ये कुछ फ़ेस वॉशेज़ थे जो कि कंपनी है मैक उनके मैंने ऑर्डर किए थे एक एक्नी क्लीन था और दूसरा वाइटनिंग फ़ेस वॉश था लेकिन इसमें मेरे साथ हुआ ये कि ये पार्सल जो था ये खुला हुआ था जब मैंने रिसीव किया और ये देख लें ये जो फ़ेस वॉश है ना इसकी बॉटल जो थी साइड से खुली हुई थी तो प्रोडक्ट लीक कर गया था लेकिन इस फेस वॉश की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी अच्छा ये मुझे तो फ्री ही मिल गया था मैंने इसकी कम्प्लेंट की थी वैसे इसकी प्राइस जो थी वो सिक्स थर्टी रुपीज़ थी आई गेस थ्री हंड्रेड समथिंग का था एक थ्री फिफ्टीन का था स्क्रीन शॉट आप लोग देख लीजिएगा मुझे अब एक्जैक्टली exactly याद नहीं है लेकिन जो मैंने इस पार्सल की प्राइस पे की थी वो सिक्स थर्टी रुपीज़ थे और इस फेस वॉश की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी उसके बाद ही मैंने इसे ऑर्डर किया था अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ डेली बेसिस पर ये दोनों जो इसके आ, जो दोनों मैंने ऑर्डर किए हैं फेस वॉशेस ये बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं मैंने कंप्लेन कर दी थी तो उन लोगों ने मुझे जो अमाउंट थी ना वो रिफ़ंड कर दी थी तो ये मुझे तो एक तरह से फ्री ही मिल गए थे लेकिन यह कि प्रोडक्ट टूटी हुई थी अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे फेस वॉश हैं मैं अब तक इसे काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत जल्दी आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं अगर एक्टिंग वाला आप यूज़ करें तो ओवरनाइट आपकी एक्टिंग ख़त्म हो जाती है तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाज भी ले लें अच्छा जी जो जिसके अलावा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी वो ये रिंग लाइट थी इसका स्टैंड मैंने ऑर्डर नहीं किया था रिंग फेल लाइट थी बेसिकली ये और स्टैंड के बगैर जो है ये मुझे सेवन फिफ्टी तक मिली थी इसका भी स्क्रीन आप लोग देख लीजिएगा मेरे पास स्टैंड ऑलरेडी था लेकिन रिंग लाइट जो थी वो टूट गई थी तो फिर मैंने पूरे की पूरी रिंग लाइट विद स्टैंड ऑर्डर करने की बजाय सिर्फ ये जो है रिंग ऑर्डर कर दिया था ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर का था और इसके साथ बाकी सारी चीज़ें आ गई थी अब इसको मैं अपने स्टैंड पर लगा लूँगी तो मुझे जो है बहुत महंगी ये रिंग लाइट विद स्टैंड नहीं पड़ी है क्योंकि मेरे पास स्टैंड ऑलरेडी था अच्छा इसको लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये दो इन लोगों ने इसके साथ चीज़ें दी हैं एक वो है एप्लीकेटर जिस पर आप मोबाइल को अटैच करते हैं और दूसरा साथ जो स्टैंड के साथ आपके रिंग लाइट नहीं अटैच होना है उसके लिए भी इन्होंने स्पेस बनाई हुई है तो यहाँ से आप इसको अपने स्टैंड से अटैच कर लेंगे और ऊपर जो है आप मोबाइल के लिए स्टैंड को फिक्स कर देंगे और यहाँ पर जो आप अपने मोबाइल को अटैच कर लेंगे रिंग लाइट ऑन कर लेंगे और ये एडजस्टेबल है मोबाइल के हिसाब से जो है मोबाइल के वर्थ के हिसाब से या जिस तरह से आप उसे अटैच करना चाहते हैं आप उसे अटैच कर सकते हैं उसके बाद जी ये एक और प्रोडक्ट है ये क्लिप जो है थोड़े दिन पहले ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था ये टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ का मुझे लिपस्टिक पैलेट मिला है इसमें पंद्रह जो हैं वो लिपस्टिक के शेड्स हैं और सब बहुत ही प्यारे हैं मैट हैं क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक जो होती है बहुत ज़्यादा फैलती है तो मुझे मैट लिपस्टिक ही पसंद है लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इस इनकी लिपस्टिक जो है बहुत ज़्यादा मैट नहीं थी मगर ये था कि ये बहुत अच्छी मुझे लगी हैं क्योंकि देखें थ्री हंड्रेड रुपीज़ विदाउट डिलीवरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ सेल पर बता रही हूँ आइटम थ्री हंड्रेड रुपीज़ के फिफ्टीन शेड्स अगर आपको लिपस्टिक के मिल रहे हैं तो आराम से आपके तकरीबन साल निकाल जाता है ये आप इसको देख लें टी वी पार्लर की ये ब्लश ऑन किट है ऐसी सेम मिस रोज की भी है वो एक्सपेंसिव है और अब तो उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं लेकिन ये सेम उसी की तरह के शेड्स हैं कोई एक शेड में भी फ़र्क नहीं है तो ये मुझे पसंद आया इसमें ऑरेंज के टोन भी है इसमें पिंक के टोन भी है इसमें ब्राउनिश टोन भी है उसके अलावा रेडिश जो है मैरून टोन भी है तो सारे लिप कलर्स आपको मिल जाते हैं जो आपको डेली लगाने होते हैं तो ये देख लें यहाँ पर मैंने अपने इसके स्वैचेज़ भी कर लिए हैं थोड़ी सी ग्लॉसी है इसको आप मैट कर सकते हैं पाउडर ब्लश को लेकर आप अगर ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आप अगर पिंक कलर का जो है लिपस्टिक को यूज़ कर रहे हैं तो आप पिंक ब्लश ऑन उसके ऊपर पाउडरी जो ब्लश ऑन होता है वो अप्लाई कर लें तो ये बिल्कुल मैट हो जाएगी अच्छा जी इसके अलावा जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की है वो ये बैग्स हैं तीन बैग्स मैंने ऑर्डर किए थे दराज से ये मुझे टू नाइन्टी रुपीज़ के मिले हैं तीनों बैग्स और ये मैंने बेसिकली ऑर्डर किए हैं अपने गर्मियों के कपड़े रखने के लिए और मैंने ज़्यादा ऑर्डर करने थे लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्डर करके देख लेती हूँ अगर तो क्वालिटी वाइज अच्छे आ गए तो फिर मैं दोबारा से इनको ऑर्डर कर दूँगी लेकिन ये बैग्स क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे थे और इनका वॉल्यूम जो था काफ़ी ज़्यादा था तो इसमें काफ़ी कपड़े जो हैं मेरे आ जाएंगे गर्मियों के तकरीबन सारे ही कपड़े इन तीन बैग्स में आई होप के आ जाएंगे मैं जब वो रखूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये ज़िप लगी हुई है वैसे सेल के अलावा ये बैग्स अच्छे खासे महंगे थे लेकिन सेल में ये मुझे अच्छे मिल गए क्वालिटी वाइज़ भी मुझे ये सही लगे थे साथ ये ट्रांसपेरेंट शीट इन्होंने लगाई हुई है ताकि कपड़े आप लोग देख भी सकें कि अंदर इसके अंदर आपने रखा क्या हुआ है क्वालिटी आप लोग देख लें ये ब्लैक कलर में भी आप ले सकते हैं ग्रे कलर का ऑप्शन भी है आपके पास लेकिन मैंने ब्लैक ही लिए थे ग्रे जो है ना वो मैला हो जाएगा फिर बैग वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लैक ले लेती हूँ अब यहाँ पर आप देख लें मैंने इसमें टेम्प्रेरीली कुछ आइटम्स डाल के आप लोगों को दिखा दिया कि कितना इसका वॉल्यूम है ये टू नाइन्टी में ना वैल्यू फॉर मनी है मुझे ये लग रहा है क्योंकि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी क्वालिटी है लेकिन ऐसी क्वालिटी है कि आपके काफ़ी कपड़े इसमें एडजस्ट हो सकते हैं सर्दियों के कपड़े जो हैं आप निकाल रहे हैं गर्मियों के रखेंगे तो आप इस तरह के बैग्स मंगा लें आराम से इनमें अपने कपड़ों को डालें और इनको जो है अपनी कबड़ में रख दें तो मैं तो यही करने वाली हूं और यहां पर मैंने आपको डेमो दिया है इसमें आप ये नहीं है कि ये बैग जो है इसमें ज्यादा कपड़े डालेंगे तो फट जाएगा जितनी इसकी स्पेस है ना उस हिसाब से क्वालिटी बिल्कुल ठीक है फ्रंट पर यह जो ट्रांसपेरेंट शीट है बस इसका आपने ख्याल रखते हैं कि वो ना फट जाए अच्छा जी लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने दराज से ग्यारह ग्यारह सेल से ऑर्डर की है वो ये टेंट है रेड डिस्की टोन है टू फोर्टी थ्री का ये मुझे मिला है विदाउट डिलीवरी चार्जेस मैं आपको ये जो आइटम है इसकी प्राइस बता रही हूँ अच्छा इसके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने ड्रॉपर दिया हुआ है आप इससे प्रोडक्ट को जो है ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके इस ट्यूब में आ जाएगी उसके बाद आप इसको प्रेस करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी एप्लीकेशन भी आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी रनिंग है लेकिन इस टेंट को मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है रेड कलर में मैंने खुद ऑर्डर किया है उसके अलावा पिंक का ऑप्शन भी आप लोगों के पास है अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं पिंक में मैंने काफ़ी ब्लश ऑनस वगैरह ऑलरेडी परचेज़ किए हुए हैं तो फिर मैंने रेड में ऑर्डर किया था अच्छा ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है यहाँ पर आप देख लें मैंने इसको अप्लाई कर लिया मैंने वेट नहीं किया कि ये जो है ड्राई हो जाए थोड़ा सा लिक्विड ही है और तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्टे दें थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए उसके बाद जो है ये स्टे करती है ये टेंट जो है बहुत अच्छा है आप इसको ड्राई कर लेंगे मैंने इसको आजकल काफ़ी ज्यादा मैं इसको यूज़ करी हूँ क्योंकि सर्दियों में आपको डार्क मेकअप और इस तरह की चीज़ें सूट करती हैं तो ये रेड कलर का अगर आपने ब्लश ऑन या थोड़ा सा टेंट वगैरह लगाया हुआ है ना थोड़ा सा डार्क सा मेकअप किया हुआ है तो अच्छा लगता है सर्दियों में स्पेशली तो फिर ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं देखिए मैंने जब इसको ड्राई नहीं किया लेकिन थोड़ा सा रब करके देखा है तो वो बाद में ना उतर नहीं रहा एक दफ़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद ये रिमूव नहीं होगा आराम से मतलब मेकअप के ऊपर स्टे करेगा आपकी बेस के ऊपर बहुत अच्छे से स्टे करेगा और टेंट जो है बहुत नेचुरल सा आपके मेकअप को करता है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करता बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लें और थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें उसको ड्राई होने के लिए अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक ठाक है नेचुरल सी एक लुक देता है तो जी ये मेरा छोटा मोटा सा शॉपिंग हॉल था जो कि मैंने दराज से आइटम परचेज़ की थी मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स पसंद आती हैं तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं आ, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं मुझे सभी बहुत पसंद आई हैं मैंने आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है और जो इस प्राइस में ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की हैं बस ये मेरी वीडियो थी आपको पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ